Today we have with us the beautiful actress Sonia Balani, also known as Panchi from Tu Mera Hero, is sharing her experience of the first audition. We also asked Sonia how auditions helped her. बहुत हॉरिबल था मेरा फर्स्ट ऑडिशन एक्सपीरियंस. आई थिंक मैं 2012 एंड में आई थी मुंबई, नवंबर 2013 मार्च या अप्रैल 2013 में मेरा फर्स्ट ऑडिशन था डेटॉल की एड के लिए. मैं एड्स के ऑडिशन के लिए जाती थी तब, क्योंकि सारे एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स एड्स में आते हैं अगर आपने देखा होगा तो. तो मैं मतलब आई यूज टू सिट देयर फॉर आवर्स एंड आवर्स, 2-3 आवर्स मैं सिर्फ वहाँ पे बैठ के लोगों को ऑब्जर्व करती थी, यार यार ये कैसे ऑडिशन दे रहे हैं, ये कैसे ऑडिशन दे रहे हैं, कैसे एक्सप्रेशन दे रहे हैं, क्योंकि सबको सेम स्क्रिप्ट मिलती थी लेकिन वो परफॉर्म कुछ और करते थे, मैं कुछ और करती थी, तो वो डिफरेंस पता चलता था. तो डेटॉल का ऑडिशन था मेरा. एंड यूजुअली एड के ऑडिशन 2 से 3 दिन चलते हैं, तो मैं पहले दिन गई, मैंने स्क्रिप्ट ली, मैंने कहा चल मैं दूंगी ऑडिशन 1 घंटा 2 घंटा. वो मुझे बार बार बोल रहा है अब आप आ जाओ. कहती नहीं 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 और थोड़ी देर मैं जाती हूँ, तब तक मैं दूसरों का ऑडिशन देखती जा रही थी. फाइनली जब मेरा नंबर आया मैं वहाँ तक गई, मैंने कहा नहीं सर मैं कल आती हूँ ऑडिशन देने के लिए, मैं जा रही हूँ, और मैं स्क्रिप्ट लेके घर चली गई. फिर मिरर के सामने प्रैक्टिस किया, जिन जिन को देखा था कि वो कैसे परफॉर्म कर रहे थे. नेक्स्ट डे फिर गई हिम्मत करके, आई वॉज वेरी वेरी नर्वस कि यार कैसे ऑडिशन. वो कैमरा के सामने मेरा फर्स्ट ऑडिशन था. स्कूल में करते थे थोड़ा बहुत ड्रामेटिक्स में पार्टिसिपेट, बट वैसे ऑडिशन देना इज़ वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि तो उसका स्क्रिप्ट एंड यू नो व्हाट, इतने सारे ऑडिशंस दिए उसके बाद, लेकिन एड के लिए वो पहला, इससे बड़ा स्क्रिप्ट मैंने आज तक किसी एड ऑडिशन में नहीं देखा जितना वो डेटॉल का था. तो मैंने एक एक चीज़ रट ली थी उस वक्त. तो मैं जब ऑडिशन देने गई तो कोई एक्सप्रेशन नहीं, कुछ नहीं, मतलब एक सांस में सारा चीज़ें बोल दी कि ऐसे ऐसे डिटॉल ये डिटॉल वो डाटा डाटा डाटा. एंड आई वॉज अंडर द इम्प्रेशन कि वाह मैंने कितना अच्छा दिया, बाकी सब ने तो गलत गलत वर्ड्स बोले और 3-4 लाइन्स ऐड कर ली. मैंने सबसे अच्छा ऑडिशन दिया क्योंकि मैंने एज इट इज सारी लाइन्स करेक्ट बोली हैं. लेकिन देन आई रियलाइज विद टाइम कि ओ शिट, मतलब जितना ज़्यादा इम्प्रोवाइजेशन जितना ज़्यादा नेचुरल करोगे वो ज़्यादा बड़ी चीज़ होती है. तो बहुत ही गंदा ऑडिशन था लेकिन एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, बहुत कुछ सीखने को मिला था कि एड वर्ड्स थोड़े बहुत इधर उधर भी हो जाए स्क्रिप्ट में वो चलता है. ये आप सबके लिए मैसेज है जब आप किसी भी शो का, मूवी का या एड का ऑडिशन देने जाते हैं. मैक्सिमम एक्टर्स जो नए नए यहाँ पर आते हैं, क्योंकि स्कूल ड्रामेटिक्स में हमेशा रहता है, सबको पता होता है कि स्टेज शो होता है तो इम्प्रोवाइजेशन चलता है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर लोग लाइन्स पर बहुत फोकस करते हैं कि लाइन्स गड़बड़ ना हो जाए, लाइन्स एकदम सेम रहनी चाहिए. ऐसा नहीं होता. आप अगर अपनी लैंग्वेज में लाइंस बोल के ज़्यादा नेचुरल और ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे पा रहे हैं तो वो ज़्यादा मैटर करता है. तो ये फर्स्ट ऑडिशन का एक्सपीरियंस था मेरा. टचवुड जो फर्स्ट शो का था वही क्रैक हो गया था, सुवरीन गूगल के लिए था. नहीं आई गेस उससे पहले चैनल वी के लिए एक शो के लिए था, जहाँ मैं फाइनल 3 शॉर्टलिस्टेड लोगों में से मैं भी थी. इट वॉज फॉर अ लीड, वो चैनल वी के शो के लिए था, लेकिन फेयर ऑरिजिन्स का, पर वो क्रैक नहीं हुआ था. आई वॉज लिटिल डिसअपॉइंटेड. उसके बाद जो मेरा सेकेंड ऑडिशन था वो सुवरीन गूगल के लिए था, सोनी चड्डा का, जो आपने मुझे देखा ही होगा TV पे आई एम श्योर. वो ऑडिशन मेरा बहुत अच्छा गया था क्योंकि वो थोड़ा बहुत मैं रियल लाइफ से उसे रिलेट कर सकती हूँ. वो बहुत ही ज़्यादा चपड़ बोलने वाली, जो थोड़ी सी क्यूट डम लड़कियाँ होती हैं ना, ये हाँ बस बोली जा रही हैं. तो मुझे नरेशन बहुत अच्छा मिला था क्योंकि जो कैमरा पे जो ले रहे थे ऑडिशन, उन्होंने मुझे एक एक चीज़ बहुत अच्छे से बताई थी कैरेक्टर के बारे में कि चंडीगढ़ से आई हुई लड़की है और एकदम पटाखा टाइप है. तो जब नरेशन अच्छा मिलता है आपको, मेक श्योर जब आप ऑडिशन देने जाएँ तो जो भी आपका ऑडिशन ले रहा है उससे डिटेल नरेशन लें कि कैरेक्टर क्या है, कैरेक्टर की हिस्ट्री क्या है, क्या बैकग्राउंड है. वो सब चीज़ें बॉडी लैंग्वेज के लिए बहुत हेल्प करती हैं कि आप किस तरीके से ऑडिशन दे रहे हैं, ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं. मैक्सिमम लोग मैंने ऑडिशंस में देखे हैं जो बहुत कंसर्न्ड होते हैं, जैसे बार बार आके वो आपसे पूछते हैं आ जाएं ऑडिशन रेडी हो गया, तो इस चक्कर में कि अरे ये क्या सोचेगा, मैं इतना ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ स्क्रिप्ट को प्रिपेयर करने में, मत सोचिए. 1 घंटा लीजिए 2 घंटा लीजिए, अगले दिन स्क्रिप्ट लेके घर चले जाइए, रिहर्स करिए, नेक्स्ट डे आके ऑडिशन दीजिए, क्योंकि मैटर अल्टीमेटली आपका परफॉर्मेंस करता है. ये तो मैटर करता ही नहीं है कि आपने कितनी जल्दी प्रिपेयर करके ऑडिशन दिया, तो अच्छे से प्रिपेयर करके फिर ऑडिशन दीजिए हमेशा. बहुत बार सबको हुआ होगा, बहुत सारे फंबल, आप कभी कभी फंबल कर देते हो, आप नर्वस हो जाते हो, कॉन्शियस हो जाते हो, ये देख रहा है वो देख रहा है, मत होइए. मैंने यही बोला बेस्ट चीज़ होती है वो तब होता है जब आप जल्दी जल्दी में करके ऑडिशन देना चाहते हो. टाइम लीजिए, स्क्रिप्ट घर ले जाइए, टाइम है तो घर पर रिहर्सल कीजिए, फिर नेक्स्ट डे आइए. एंड ट्रस्ट मी, स्टार्टिंग जब आप इस लाइन में स्टार्ट करोगे तो शुरू के कुछ ऑडिशंस ऐसा होगा, तो डिसहार्टन्ड और डिसअपॉइंट मत होइए, क्योंकि आई थिंक सब जगह स्टार्टिंग में टाइम लगता है. जब आप 6, 7, 8, 9, 10th ऑडिशन तक पहुँचेंगे वो चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी.
तो इनिशियली ऐसा कुछ हो रहा है तो डिसहार्टन मत हुई, सबके साथ हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है, एंड आई एम श्योर जिस जिसने ऑडिशन देना, जब वो कैमरा फेयर होता है जो ग्रेजुअली ही निकलता है, आप अगर डे वन पे अपने आप को प्रेशराइज करोगे कि फर्स्ट ही ऑडिशन में इतना अच्छा दे दूँ, तो यूजुअली ऐसा नहीं होता, या तो आपका बहुत स्ट्रॉन्ग थिएटर बैकग्राउंड रहा हो देन इट्स अ डिफरेंट केस, पर अगर वैसा कुछ नहीं है तो कैमरा फेयर इनिशियल कुछ ऑडिशंस तक अपने आप को टाइम दीजिए और ये प्रिपेयर होके जाइए कि इट्स ओके मैं खराब भी परफॉर्म करूँगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जितना ज़्यादा प्रेशराइज करोगे कि नहीं मुझे बहुत अच्छा करना है उतना ज़्यादा कॉन्शियस होगे, उतने ज़्यादा फंबल होंगे, तो आप ईजी गोइंग आराम से जाओ एंड आराम से ऑडिशन दो, 10-15 इंटरव्यू सोच के जाओ 10-15 ऑडिशन खराब करने हैं तो वो नहीं होगा फिर. मुझे मेरे एक फ्रेंड ने बताया था कि गुलजार साहब ने ऐसा कहा है कि आप या तो बहुत सारे थिएटर में 10 मतलब जो प्लेज होते हैं वैसा कुछ कर लो या फिर आप 1000 ऑडिशन में चले जाओ, एक ही बात है. एंड मुझे एक्चुअली लगता है ऑडिशन जाना इज़ अ वेरी 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 गुड आइडिया, अगर आपको इस इंडस्ट्री में आना है आप रोज़ ऑडिशन के लिए जाओ. मैंने कितने सारे स्ट्रगलर्स देखे हैं जो आज इतने अच्छे अच्छे ऐड के ब्रांड्स कर रहे हैं, आई मीन इनफैक्ट मूवी भी कर रहे हैं, मैं नाम नहीं लूँगी, जो ऑलमोस्ट हर एक दिन 10-10 ऑडिशंस देते थे दिन में, 10 ऑडिशंस, ट्रस्ट मी, मतलब घर से सुबह निकलते थे तैयार होके एक बैग कैरी करके कि जिस जिसका जो जो ऑडिशन का ड्रेस कोड होगा वो हम चेंज करते जाएंगे, एंड एक के बाद एक के बाद एक 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 दिन में 10 ऑडिशन, कभी नेक्स्ट डे 3 ऑडिशन हैं तो एक दिन में 3 ऑडिशन, 4 ऑडिशन, इस तरीके से, क्योंकि आप जितने ज़्यादा ऑडिशन में जाओगे उतनी ज़्यादा स्क्रिप्ट्स आपके पास आएंगे, उतनी ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स आएंगे, क्योंकि हर एक स्क्रिप्ट अलग कैरेक्टर को सामने लाती है, तो जितने ऑडिशन आप देंगे उतना कैमरा फेयर निकलेगा, उतना आपका बॉडी लैंग्वेज पर आप वर्क करेंगे, क्योंकि एक बार आपको क्यूट बबली कैरेक्टर की स्क्रिप्ट मिलेगी, एक बार आपको बहुत मैच्योर्ड कैरेक्टर की, एक बार बच्चे की मिल जाएगी, मे बी 17-18 ईयर ओल्ड, तो वो जितने ज़्यादा ऑडिशन आप देंगे उतना ज़्यादा आपके लिए रिहर्सल है ये फाइनल शो में या मूवी में जाने के लिए, तो इट्स लाइक अ रिहर्सल. जितने ऑडिशन एक दिन में मैक्सिमम दे सकते हैं अगर आप स्ट्रगलर हैं तो उतने ऑडिशन के लिए जाइए, इट विल हेल्प. सोनिया, वी विश यू गुड लक. नेहा सावंत विद कैमरामैन मंगेश, इंडिया फोरम्स, मुंबई. हाय, दिस इज सोनिया, कीप वॉचिंग इंडिया फोरम्स एंड सब्सक्राइब टू व्हाट्सएप टीवी.